आप सभी को एक बार फिर से होली की शुभकामनाएं। लगातार हम अपने वीडियोस के माध्यम से आपको होली मिलन कार्यक्रम जगह जगह के दिखा रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं फरीदाबाद के द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के कार्यालय पर, सेंटर पर, जो कि फरीदाबाद सेंटर है। और यहां पर आज आपको बता दें कि कई चीफ गेस्ट यहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज यहां पहुंचना था, लेकिन उनको अचानक से जो है जो नया भार दिया गया है, जो मंत्री पद दिया गया है, उसके चलते चंडीगढ़ में खास मीटिंग के लिए बुलाया गया है। तो उनकी जगह उनके भाई टीपर चंद शर्मा आए, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। यहाँ आपको बता दें कि द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो प्रांगण में है, यहाँ पर बहुत ही भव्य कार्यक्रम चल रहा है और एक ही छत के नीचे पूरा हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है। तो क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं यहाँ के आए हुए अतिथियों से और मुख्य अतिथियों से। तो जानते हैं आज यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं। मेरा आप सबको इस्तकबाल। आज का होली का समारोह बहुत खुशियां लेकर आया है। आज की बरात ने जितनी खूबसूरती से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, बेहतरीन संस्कृति से सुजित पगड़ियां, गुलाल, चंदन का टीका और खाने को वही व्यंजन जिसे हम सदैव से रिलिश करते रहे हैं। आज का दिन बड़ा मुबारकबाद दिन है और आज के दिन हमारी संस्कृति में बहुत इंपॉर्टेंट दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन में कहा जाता है कि तमाम दुश्मनियां, नाराजगियां, गुस्सों को आग जलाए दी जाती है और रंगों के साथ एक नए सीजन का, आने वाले हार्वेस्ट सीजन का स्वागत किया जाता है। देखिए समाज को जोड़ते, आप देखिए किस प्रकार के स्टूडेंट्स, उनकी फैमिलीज, मेंबर्स की फैमिलीज सब जुड़े हुए हैं। हमारी संस्कृति में खासियत है रंग, वो रंग देखकर आप चार्ज होते हैं और चार्ज होकर आप जुड़ते हैं। जिंदगी में रंग की अहमियत को आप कभी कम करके नहीं तोल सकते, और खास तौर पे जब रंग एक दूसरे को लगाने का हो, जब एक दूसरे में वैर विमर्शनिष्ठ की भाव को खत्म करने के लिए रंग लगा जाए, तो उसका तो अंदाज ही कुछ और है। रंग में भंग डालने वाले लोग भी, देखिए साहब, रंग में भंग डालने वाले लोग, हमारा प्रोफेशन कैसा प्रोफेशन है, जब आएंगे ना, लोग हमें टारगेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उनको जवाब ये देते हैं कि तारीफ की चाहत नाकाम लोगों की फितरत है। तारीफ की चाहत नाकाम लोगों की फितरत है। काबिल लोगों के तो दुश्मन भी कायल होते हैं। जो आदमी इस बात के लिए कटिबद्ध है कि रंग में भंग नहीं डालने देंगे, उसके रंग में कोई भंग नहीं डाल सकता। और जिसके साथ भगवान है, वो सदैव हर रंग में खुश होता है। सिख धर्म इसको होले मल्ले के रूप में मनाया जाता है। वो कहते हैं रंग में डूबकर भगवान का स्मरण करो, रंग में डूबकर सच्चाई के साथ चलो। हमारा यही संदेश है हमारे सब फरीदाबाद के वासियों को, हमारे सीए प्रोफेशन के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, उनकी फैमिलीज को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि पूरे तरीके से पूरे शिद्दत के साथ इस होली को मनाएं, खुशियां लाएं, खुशियां बांटें और जिंदगी को और खूबसूरत बनाए, रंगीन बनाए। थैंक यू। मैं सीए राज चावला, सेंट्रल काउंसिल मेंबर ऑफ आईसीआई। आज हम सब लोग मिलके यहाँ हमारी जो फरीदाबाद ब्रांच ऑफ एनआईआरसी ऑफ आईसीआई है, यहाँ पे सब परिवार के साथ होली मिलन कर रहे हैं। और आज हमारे यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट के जो वाइस प्रेसिडेंट श्री चरणजोत सिंह नंदा जी आए हुए हैं, हमारे मंत्री जी शर्मा जी, और प्लस हमारे सारे यहाँ फरीदाबाद ब्रांच की मैनेजिंग कमेटी के लोग परिवार के साथ, हमारे पास्ट चेयरमैन, हमारे सीनियर मेंबर फरीदाबाद ब्रांच के सब अपने परिवार के साथ आके यहाँ होली को बड़े अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये सब लोग आए हुए हैं, देखा जा रहा है, चाहे दरवाजे से मतलब एंट्री ही करते हैं तो ढोल नगाड़े, मतलब हरियाणवी जो है वो भी चल रहे हैं और तमाम तरह की संस्कृति यहाँ पर देखी जा रही है। सेल्फी पॉइंट्स हैं और राजस्थानी हो या तभी सभी तरह के व्यंजन भी देखे जा रहे हैं। यहाँ हमारे हिंदू समाज में तो जितने भी त्यौहार हैं वो सब इसी तरह से खुशियों के साथ एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला के, एक दूसरे को व्यंजन खिला के सेलिब्रेट किए जाते हैं। और यही एक जो ये रंगों का त्यौहार है हमारा, इसमें जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा कि सारे शिकवे शिकायतें, कई बार होता है, कई बार हम गलती से किसी को गुस्से में कुछ बोल देते हैं, तो आज के दिन हम इस त्यौहार को इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं कि जो भी कोई हमारे शिकवे शिकायत, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको दूर किया जा सके। तो एक बहुत बड़ा त्यौहार है हिंदू हमारे समाज के लिए। नमस्कार सभी साथियों को। मैं सीए मनोजकर, चेयरमैन फरीदाबाद ब्रांच ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया।
आज हम परिवार समेत परिवार सहित एक होली मिलन बना रहे हैं। हमारे सी इंस्टीट्यूट के वाइस प्रेसिडेंट सर हैं, श्री नंदा जी बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो मैं आपके चलन के माध्यम से सभी को होली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आज हमारे पास करीब करीब 4000 CAs हैं जो हमारे फरीदाबाद में हैं और 12000 स्टूडेंट हैं। आज उन हम सब ने एक होली मिलन का आयोजन किया है विद परिवार, परिवार के साथ सभी आए हुए हैं। और आप जब देख रहे हैं तो हमने सभी तरह के रंगों का, अपने जो चाहे हरियाणवी हो, चाहे राजस्थानी हो, चाहे एक दिल्ली की चाट काउंटर हो, हमने सभी का इंतजाम किया है ताकि सभी, एक कहते ना हिंदुस्तानी विविधता का देश है, तो हमने सारे विविध विविध तरीके सारी एक व्यंजन रखे हैं ताकि कोई भी अपने ये ना लगे कि मेरा ये टेस्ट नहीं आया है। इसी के साथ मैं सभी को नमस्कार कहता हूँ। थैंक यू। मेरी बहन सबको पहले होली की बहुत बहुत बधाई। चंद जी की हमारे भी निकल चुके हैं, चावला जी भी, अनुज गर्ग जी चेयरमैन हमारे यहाँ के, विपिन शर्मा जी एक्स ऑफिस मेंबर है। विपिन शर्मा जी की बात करूंगा तो मेरे रिश्तेदार है, HR भारद्वाज शर्मा जी वकील रिश्तेदार जी है मेरे। मुझे आज ही पता लगा है कि दो बड़े, एक इंजीनियर है, दो इंजीनियर है बड़े, और बेटा CA बन गया। ये आज मुलाकात हुई है पहली बार, वकील साहब के बेटे हैं अपन से। बात कॉल इनका गाँव है, हमारे 50 लड़के की शादी इन्होंने करवा रखी है। कहते हैं होली का टाइम है, बुरा लगा जो होली है, तो ये सच्चाई भी है। विपिन भैया, संदीप शर्मा जी मेरे भाई, शिव शर्मा जी, मोहित अग्रवाल जी, राज चावला जी चले गए, नितेश पारस्वर जी, राजेंद्र टंडन जी, मैंने तो सबको होली की बहुत बहुत बधाई। और आपने जो सम्मान किया है ये बहुत देखने लायक, बहुत अद्भुत प्रेम जो दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ। कि आपका कहते हैं ना, अलग अलग वकीलों की अलग बिरादरी होती है, नेताओं की अलग होती है, तो CA की होती है भाई, ये दूसरे भगवान होते हैं। रात को नींद भी आती है ना, जब भगवान पूछती है क्या हुआ, कागजों में कमी है, बोले कोई बात नहीं, घबराना मत, तब CA साहब के पास चले जाना, CA साहब को अपने रास्ते निकाल देंगे। इतना सम्मान आपका इस देश में, अभी नवजोत जी नंदा जी बता के गए थे आपका सम्मान। कहते ना मोदी जी, अगली बार जब देश की अर्थव्यवस्था बनेगी तो तीसरे नंबर पर हम लोग पहुंच जाएंगे, उस तीसरे नंबर की देश की सबसे बड़ी ताकत बनेगी, उस ताकत के पीछे आपका हाथ है, वो कलम आपकी है। ज्यादा राजनीतिक भाषण कर ही देंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि डॉक्टरों का सम्मान बहुत करते हैं और जज का बहुत सम्मान होना चाहिए। जज की लिखा हुई कलम या आपके अधिकारियों ने लिखी हुई कलम को कोर्ट नहीं काटता, जज के तो तभी लग जाती है, लेकिन आपकी बनी हुई फाइल चाहे भगवान की दूसरी बनी रुचि मिल जाती है हम लोगों को। आप लोग हमारी रक्षा करते हैं, हमारी प्रॉपर्टी की रक्षा करते हैं, जब तक आपको जब नींद नहीं आती है CA ही याद आता है, ये दूसरे भगवान है। आप होली के स्मरण पर सामने कि हिंदुस्तान की कथा देखनी है तो हिंदुस्तान, हमारे लोग तो बाहर रहते हैं, आप लोग कितनी पढ़ाई तक जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का कल्चर आप लोग और हम लोग न तो भूलना चाहिए। और आप देखा है देश से, आप कितने पढ़े लिखे, कितने विद्वान बच्चे बन गए, कल्चर अपना याद रखेंगे। मैं यही आशा करूंगा छोटे बच्चों को भी, बहनों को भी, और बड़े सीनियर रंग थे बढ़िया उनको तालीम दें, हमारे बच्चों को भी तालीम आपसे मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। होली पर्व पर रुचि आना है और 365 में एक ऐसा उदाहरण कोई कलम आपकी गलती चली है तो हम ठीक कर लेंगे, इसलिए का काम होता है। दादाजी अब सभी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बीच में ज्यादा टाइम दूंगा। Opportunity to present a vote of thanks in front of you, all the dignitaries present here on the dais and off the dais. सबसे पहले मैं मूलचंद शर्मा जी के भाई
टिप्पचंद शर्मा जी को धन्यवाद करता हूँ सर, आप इतने शॉर्ट पीरियड पे आपने टाइम निकाला और हमारा यहाँ पर आके हमारा स्वागत करा। और हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब एनी सर जंजिया चरण जोशी नंदा जी, जिन्होंने इतना अच्छा मोटिवेट करा और होली की शुभकामनाएं दी, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर राज चावला जी जो यहाँ पर आए और सबको संबोधन करा। एंड आई आल्सो थैंक्स टू ऑल दी माई मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स, चेयरमैन साहब श्री मनोज गर्ग जी, विपिन शर्मा जी, संदीप शर्मा जी, शिव शर्मा जी, मोहित अग्रवाल जी एंड ऑल द अदर मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स, थैंक्स फॉर अरेंजिंग दिस वंडरफुल प्रोग्राम। एंड मैं अपनी तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आगे का प्रोग्राम भी काफी रंगों से मचा हुआ है, तो आप सभी यहीं पर वेट करें और